हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू द किचन का जायका। आज हम बनाने जा रहे हैं वेजिटेबल सांबर। जी हाँ, सही सुना है आपने, मैं बनाने जा रही हूँ वेजिटेबल सांबर। सांबर सुनते ही सबके मुंह में पानी आ गया। चलिए शुरू करते हैं। मैंने यहाँ पे ले लिया है 1 किलो दाल, तुअर दाल। अब मैं गैस ऑन कर लेती हूँ। इसको हम 3 से 4 सीटी में गलाएंगे। यहाँ मैं डाल रही हूँ 1 स्पून तेल, थोड़ी सी हल्दी, ज्यादा नहीं क्योंकि हम सब्जियों में भी डालेंगे, तो हमने थोड़ी सी हल्दी डाल दी है। और आधा चम्मच नमक डालूंगी मैं। अब इसको लगा दूंगी मैं सीटी। अब हम यहां पर 4 सीटी तक इसको अच्छे से गला लेंगे। तो यहां पे मैंने चढ़ा दिया इस तरह का भगोना। अब मैं गैस ऑन कर रही हूं। हमारी जो दाल है हमारे दूसरे चूल्हे पे गल रही है, तब तक हम इसमें डालते हैं तेल। अब डालेंगे इसमें बड़े कटे हुए प्याज। प्याज को मैंने इस तरह से काट लिया है। अब शायद छोटे छोटे प्याज भी मिलते हैं, वो भी डाल सकते हैं खड़े एकदम। मैंने प्याज को इस तरह से काट लिया है, तो मैं थोड़ा सा फ्राई करूंगी। हम प्याज को हल्का सा इधर उधर फ्राई करेंगे, ज्यादा नहीं करना है। प्याज हमारी कच्ची रहेगी, दाल में पकेगी, तो थोड़ा सा शैलो फ्राई। ताकि जो प्याज का स्मेल है वो चला जाए। नेक्स्ट टू नेक्स्ट हम डालते हैं इसमें ड्रम स्टिक्स यानी मूंगे की फली। आप अपने हिसाब से वेजिटेबल्स ले सकते हैं, जो भी सब्जियां आपको पसंद है आप बैंगन डाल सकते हैं, लेकिन बड़े बड़े साइज में आप काट लें। मैं डालूंगी मैं कैरेट, थोड़ी सी हरी मिर्च, 4 से 5 हरी मिर्च। तो मैं डालूंगी डोंडा, तो मैं यहाँ पे सब्जियों को, ये जो सब्जियां मैंने डाली है फ्रेंड्स, ये थोड़ी देर तक गलती हैं। पहले जैसे आपका ये प्याज हो गया, कैरेट हो गया और ये ड्रम स्टिक हो गया, इसलिए मैं इसको पहले पका रही हूँ। अब इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा नमक, 1 चम्मच नमक डाल रही हूँ। 1 छोटा चम्मच डाल रही हूँ मैं हल्दी। मैं दाल ज्यादा हम इसको सॉफ्ट करेंगे नहीं, इसको हम अच्छे से मिलाकर स्लो फ्लेम में थोड़ी देर के लिए 50% और गलाएंगे। अब हम यहाँ पे इसको ढक देंगे और इसको छोड़ देंगे 5 मिनट तक स्लो फ्लेम पे, ताकि हमारी जो सब्जियां हैं वो 50% गल जाए। चलिए अब हम ओपन करके देखते हैं। हमने जो सब्जियां डाली थी वो अप्रोक्सीमेट 50% गल गई है। तो ये अच्छे से गल गई है। ये 50% हमारा जो हमको चाहिए था वो गल गया है। ज्यादा आपको कुछ नहीं करना था क्योंकि ये अभी खट्टे में भी पकेगा इमली के, और ये दाल में भी पकेगा। तो यहाँ मैं डालूंगी 2 चम्मच भर का मिर्ची पाउडर। मैं यहाँ पे ज्यादा डाल रही हूँ, हरी मिर्च भी डाला हुआ है मैंने। अगर आप मिर्ची कम खाते हैं तो थोड़ा कम मिर्च डाल लें। अब मैं इसमें डालूंगी इमली का पानी। इमली का पानी हम डालेंगे, देख कर डालें, आपको जितना खट्टा पसंद है, ज्यादा खट्टा पसंद है, थोड़ा कम खट्टा पसंद है, तो उस हिसाब से आप डालें। अब हम इसको खट्टे में पकाएंगे सब्जियों को फ्लेम में। फ्लेम को मैं हाई कर लेती हूँ और तो मैं इसमें डालूंगी थोड़ा सा पानी। और अब इसको मैं
बॉईल आने तक पकाऊंगी। अच्छे से पकेगा ये 5 मिनट तक। इसको मैं ढक देती हूँ, 5 मिनट के लिए छोड़ देती हूँ। अब ओपन करके देखते हैं हमारा जो खट्टा है वो अच्छे से बन रहा है। इसको थोड़ा स्लो कर दीजिए। अब यहाँ पर हम डालेंगे 2 से 3 करप्पा की डंडी। बहुत अच्छा फ्लेवर देता है। जब ये खट्टा बन रहा हो तब आप करप्पा डालिए और 2 डंडी आप रखे रहिए आखिरी में बघार डालते वक्त। तो मैंने यहाँ पे करप्पा डाल दिया है। अब मैं थोड़ी सी भिंडी डालूंगी यहाँ पर और डालूंगी 2 से 3 टमाटर। मैं ये टमाटर और भिंडी अब इसलिए डाल रही हूँ कि ये बहुत जल्दी पक जाते हैं, इसलिए मैं खट्टे के साथ बनाऊंगी। खट्टा जो भी मैंने वेजिटेबल डाले हैं उसमें थोड़ी सी खट्टाई फ्लेवर आ जाएगी अपने आप, जिस वजह से अभी मैं पका रही हूँ इसे। थोड़ी देर और थोड़ा कुक करेंगे, हमारा जो भिंडी और टमाटर थोड़ा कुक होगा, डाल देंगे। अब इसको छोड़ देंगे 2 मिनट के लिए। पहले अभी जो मैंने भिंडी और टमाटर डाले थे वो कुक हो गए हैं और बाकी की सब्जियां भी अच्छे से कुक हो गई हैं, अच्छे से पन गई हैं। अब मैं यहाँ पर डालूंगी तुअर दाल जो मैंने मैश कर लिया था। फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और आपको पसंद आए तो कमेंट भी करें। तो हम यहाँ इसे मिला लेंगे। थोड़ा सा हम यहाँ पे वाटर ऐड करेंगे क्योंकि दाल थोड़ी सी गाढ़ी है। सांभर हमको ज्यादा गाढ़ा नहीं चाहिए, थोड़ा सा ये पतला रहेगा, ये कंसिस्टेंसी होनी चाहिए आपके सांभर की। तो फ्रेंड्स, मैं यहाँ ले रही हूँ MTR का सांभर मसाला। आप चाहे तो मार्केट से कोई भी आपका पसंदीदा मसाला आप ले सकते हैं, सांभर मसाला मिल जाता है इजीली। तो यहाँ पे मैं ढक दूंगी इसको 1 बॉईल के लिए। मैं ध्यान रहे दाल बाहर बॉईल नहीं होना चाहिए, वरना जो भी इंग्रेडिएंट्स आपने डाला है वो सारे के सारे गिर जाएंगे और आपका सांभर फीका हो जाएगा। तो यहाँ पे आप टेस्ट कर सकते हैं कि आपके दाल में जो खट्टा है, नमक है, मिर्च है, बराबर है, उस हिसाब से आप देख के डालें। तो यहाँ पे 1 बॉईल आ चुका है। 1 बॉईल होने के बाद इसका ढक्कन हम खोल देंगे इस तरह से। अब हम इसमें थोड़ा सा मीडियम फ्लेम पर रख लें। अब हम यहाँ पर डालेंगे थोड़ा सा मेथी पाउडर, ज्यादा नहीं, थोड़ा सा। आपको हर एक फ्लेवर मिलेगा इसमें, बहुत ही टेस्टी फ्लेवर मिलेंगे आपको। थोड़ा सा मैं डाल रही हूँ इसमें गुड़, क्योंकि खट्टे को बैलेंस करेगा। जो हमने खट्टा डाला है वो अगर वो एक्सेस हो गया तो जो गुड़ है उसको बैलेंस कर देगा। अब हम इसमें डालेंगे ये सांबर मसाला। तो मैं यहाँ पर यहाँ डाल रही हूँ 2 बड़े चम्मच सांबर मसाला। आप क्वांटिटी के हिसाब से डालें, अगर आप कम बना रहे हैं तो 1 चम्मच काफी है, क्योंकि मैं यहाँ पे ज्यादा बना रही हूँ तो इसलिए मैं 2 चम्मच बड़ा चम्मच डाल रही हूँ। अब इसको अच्छे से मिला लें। ये अब ज्यादा नहीं पकेगा, बस 5 मिनट। और यहाँ पे हम डालेंगे थोड़ी सी धनिया की पत्ती और इसको भी हम सांबर के साथ बनाएंगे। अब इसको आधा ढके, पूरा ना ढके, आधा ढके। चलिए अब अच्छे से मिला लेते हैं। हमारा सांबर हो गया है तैयार। अब हम इसको लास्टली करेंगे तड़का। ये कंसिस्टेंसी होनी चाहिए आपके सांभर की, ज्यादा पतला नहीं, ज्यादा गाढ़ा नहीं। अब हम इसको बघार करेंगे। चलिए अब कर लेते हैं बघार। मैंने कढ़ाई चढ़ा दी है। अब मैं यहाँ पे गैस को ऑन कर लेती हूँ। अब हम इसमें डालते हैं तेल थोड़ा सा।
इसमें डालूंगी मैं जीरा, पहले राई, अब मैं डालूंगी इसमें लहसुन, तीन जो लहसुन, लहसुन को थोड़ा सा जलने देंगे। थोड़ा सा जीरा आधा चम्मच, सूखी लाल मिर्च दो, इसमें मैं डालूंगी करी पात, अब मैं इसमें डालूंगी दो से तीन करी पात के जब, गैस को ऑफ कर दें। अब यहां पर डालें आप हींग, हींग में डाल दें एक छोटा चम्मच भर के हींग में डाला है। अब मैं यहां करूंगी बगार, हमारा सांबर बनके हो गया है रेडी। अब इसको गरम गरम अपनी फैमिली के साथ एंजॉय करें, खाएं और खुश रहें, सांबर को व्हाइट राइस के साथ एंजॉय करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।